अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं कुकिंग विद सनिया। आज की रेसिपी में मैं आपको बनाऊंगी अचारी गोश्त बनाना। बहुत ही आसान सी रेसिपी है, चले चलते हैं रेसिपी की तरफ। एक पैन ले लेंगे और उसमें हम कुकिंग ऑयल शामिल कर लेंगे। तकरीबन 1 कप हमने कुकिंग ऑयल जो है वो ऐड किया है, और एक बड़े साइज़ की प्याज को हमने बारीक स्लाइस में काट लिया है, वो ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से फ्राई होने तक पका लेंगे। ये रेसिपी बहुत ही आसान तरीके से बन जाती है, घर के मसालों से बनाएंगे हम, बाहर के पैकेट इस्तेमाल नहीं करेंगे, और बहुत ही जल्दी और बहुत ही झटपट से ये रेसिपी हम बना के तैयार कर लेंगे। प्याज को अच्छे से फ्राई कर लेंगे ताकि कुकिंग ऑयल का कच्चापन ख़त्म हो जाए और कुकिंग ऑयल जो है वो टेस्ट वाला हो जाए। अब प्याज हमारी ब्राउन हो गई है, थोड़ी सी डार्क ब्राउन हो गई है, हमें कम लाइट ब्राउन करनी थी लेकिन थोड़ी सी डार्क हो गई है। अब इसके साथ हमने अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है और 3 अदद टमाटर की प्यूरी जो है हमने वो ऐड कर ली है, और इस सब मसाले को हम पहले जो है अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सब मसाले जब मिक्स हो जाएंगे अच्छे तरीके से तो फिर हम इसमें हम गोश्त ऐड कर देंगे। गोश्त मेरे पास तकरीबन 1 kg से थोड़ा कम है, इसको हम इन मसालों में अच्छी तरीके से मिक्स करके पका लेंगे। पहले इस गोश्त को हम 5 मिनट तक तकरीबन बनाएंगे, भून लेंगे ताकि इसकी स्मेल जो है ख़त्म हो जाए। तो अब हम एक मिक्सी जार में मसाला तैयार करेंगे। 4 गोश्त का ज़ीरा ले लेंगे हम, 1.5 स्पून लिया मैंने, ओरिएंडर 2 टेबल स्पून लिए, 1 टेबल स्पून जो है वो मेथी दाना लिए है, मेथी दाने छोटे वाले लिए हैं, सौंफ 1 टेबल स्पून ले ली, पेपरिका पाउडर 1 टेबल स्पून, 1/2 टेबल स्पून जो है वो मिर्च ले लिए, गरम मसाला 1/2 टेबल स्पून, हल्दी थोड़ी ज़्यादा जाएगी 1 टेबल स्पून भर के जो है वो कोरिएंडर पाउडर लिए, टाटी ले लिए हमने थोड़ी सी, राई दाना ले लिया है हमने 1/2 टेबल स्पून, एंड में जो ये अदरक का पाउडर डाल के हम इस मसाले को मिक्स कर लेंगे। अब हमारे मसाले जो हैं वो सारे मिक्स में हमने पीस लिए हैं। अब इसको हाफ मसाला जो है हम एक अलग बाउल में इस्तेमाल कर लेंगे, और इसमें मैंने चाट मसाला ऐड करा है और कलौंजी एंड में ऐड कर लिए। उसमें 1/2 लेमन मेरे पास ज़रा बड़ा साइज़ का था इसलिए मैंने 1/2 लिया है, और इसमें सरसों का तेल ऐड करेंगे। सरसों का तेल ऐड करने के बहुत फ़ायदे हैं, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट अचार का टेस्ट आता है। मोटी वाली हरी मिर्च में मैंने कट लगा लिए हैं, और इसकी जो बीज हैं हम इसको पहले रिमूव करेंगे अच्छी तरीके से ताकि इसमें स्पेस ज़्यादा हो तो हमारा मिर्चों में ज़्यादा मसाला आ सके। हम सभी मिर्चों के जो इसमें बीज होंगे वो रिमूव कर देंगे, फिर उसमें मसाला ऐड करेंगे, इससे हमारी मिर्ची ज़्यादा टेस्टी और ज़्यादा इसमें मसाला ऐड हो जाएगा। सारी मिर्चों के साथ हम मसाला ऐड कर लेंगे। अब हम एक दही ले लेंगे, ये जो मसाला डाला है मैंने ये मेरा हरी मिर्चों का रिमेनिंग मसाला था वो मैंने इसमें ऐड कर लिया है। अब दही में जो हमने मसाला हाफ बचाया था वो भी मिक्स कर लेंगे। घर के मसालों से आप बनाएंगे, देखना आपका जो अचार गोश्त है वो ज़्यादा मसाला ज़्यादा अच्छी होगा, क्योंकि ये केमिकल से साफ प्रूफ होगा, क्योंकि बाज़ार के मसालों में सोडियम डाला जाता है जो कि सही नहीं है केमिकल, इसलिए हम घर के मसाले ख़ुद अपना बनाएंगे, और ये मसाले कोई इतने मुश्किल भी नहीं है। देखें आपके सामने आसान घर के मसालों से हमने अचार गोश्त बना लिया है। अब इस दही को हम अच्छे से मिक्स कर लिया है हमने, मसाले जो बचे थे। अब जो गोश्त में हमने टमाटर की प्यूरी में गोश्त बनाया था वो तकरीबन इसकी स्मेल ख़त्म हो चुकी होगी, और हमारा मसाला जो है वो अच्छे से भुन भी गया है। प्याज हमारी जो है देखें सारी जो है वो मिक्स हो गई है, और टमाटर का कच्चापन भी हमारा ख़त्म हो गया है, क्योंकि हम बीफ में बना रहे हैं तो इसमें ज़रा सा टाइम लगेगा। इसलिए अब हम इसको अच्छे से मिक्स करके अब हमने जो दही में मसाले ऐड किए थे वो भी हम इसमें मिक्स करके इसको तकरीबन 30 मिनट हम इसको अच्छे से पकाएंगे, जिससे गोश्त हमारा अच्छे से गल जाएगा। प्रेशर कुकर में ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करती, जब टाइम कम होता है तो मजबूरन इस्तेमाल करती हूँ, वरना मैं ज़्यादातर जो है वो अपने
पतीले में ही गोश्त गढ़ाती हूँ। भले टाइम ज़्यादा लगता है लेकिन इसका जो टेस्ट आता है वो बहुत ज़्यादा आता है, क्योंकि जितना गोश्त पकेगा इतना ही ज़्यादा टेस्ट अच्छा आएगा। कोशिश क्या करें कि प्रेशर कुकर की जगह आप पतीले में ही खाना बनाया करें, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। क्योंकि अगर गोश्त फ़ौरन से गल जाता है प्रेशर कुकर में तो जो है वो टेस्ट अच्छा नहीं आता, अंदर तक मसाले जब्स नहीं होते गोश्त के। और आप जितना पकाएंगे मसालों के साथ गोश्त को, मसाले का टेस्ट, सालन गोश्त का टेस्ट जो है वो इतना ही ज़्यादा अच्छा बनेगा। हमने मसाले भी इसमें अपने दही मसाला और सब ऐड कर लिया है। इसमें हम हाफ गिलास जो है वो पानी ऐड करके इसको ढक के गल जाने तक पका लेंगे और ये गोश्त फौरन गल जाएगा। ये इतना टाइम भी नहीं लेता, बचिएगा गोश्त है बीफ। अब हम इसको ढक के पका लेंगे। अब तकरीबन हमें हाफ घंटा हो चुका है तो हम जो है अब देखेंगे तो हमारा मसाला गोश्त जो है वो तकरीबन गल चुका है। हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और हमारा जो है मसाला भी अच्छे से भुन चुका है, देखिए तेल ऊपर आ चुका है। अब हम इसमें जो हरी मिर्चें हमने मसाले लगा के रखी थी वो इसमें ऐड कर लेंगे। हरी मिर्चों का भी अपना एक टेस्ट है, बहुत अच्छा सा इसमें टेस्ट आएगा हरी मिर्चों का, और ये बिल्कुल अचार ही हरी मिर्चें बनती हैं। मैं आपको इंशाल्लाह आगे जाके एक हरी मिर्चों का सालन बनता है वो बनाना सिखाऊंगी, उससे ये होगा। आइए मैंने इसमें लेमन ऐड कर दिया है, ठीक है। अच्छा मैं आपको कह रही थी कि मैं आपको हरी मिर्चों का सालन इंशाल्लाह बनाना सिखाऊंगी। उसमें ये क्या होता है, अगर आपको कभी अर्जेंट अचार गोश्त बनाना हो तो आप उसमें जो है वो हरी मिर्चों का जो सालन है आप वो भी निकाल के इस मसाले गोश्त में डाल के ऐड कर सके बना सकती हैं। वो बहुत आसान रेसिपी है। अब हम इसको कुछ देर पका लेंगे। 5 मिनट हो गए हैं हमें इसको बनाते हुए। ये देखें इसका कलर भी कितना प्यारा आया है और जो है हमारी हरी मिर्चें भी तकरीबन गल चुकी हैं और ये बहुत ही देखिए कम वक्त में हमारा अचार गोश्त घर के मसालों से बिल्कुल बन के तैयार हो गया है। अब हम इसमें हरा धनिया ऐड कर देंगे। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।